खेतों में भी जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या भेजते हैं? बीज। बीज तो बहुत महंगा जाता है लेकिन पैदा बहुत कम होता है, क्योंकि आधा बीज कुछ पक्षी उड़ा के ले जाता है, कुछ पानी उड़ा के ले जाता है, तो बहुत सारे बीज कुछ सड़ जाता है, तो बहुत कम बीज होता है जो डेवलप होता है। तो वैसे ही एक ट्रेनिंग है जिसमें बहुत ज्यादा बीज लाए हुए हैं, उसकी गारंटी है उसकी टीम में लोग टिकेंगे, निकलेंगे। जिसमें बीज कम लेके आए हैं, कोई भर के बोरी लेके जा रहा है, कोई आधा लेके जा रहा है, कोई एक ही बीज लेके आया हो, क्या होगा सोचना आपको? क्योंकि यहाँ तो परसों भी कल जब आप आ रहे थे वापसी सौ होटल के अंदर, तो 600 लोग बाहर चढ़ा भी तो रहे थे। जब आप अंदर होटल में आ रहे थे, आप एंटर कर रहे थे, आपका वेलकम हो रहा था ढोल से, तो बहुत सारे लोग 600 लोग ऐसे थे जो इस होटल से अलविदा करके जा रहे थे। कल जब आप जाओगे तो 600 से 700 लोग कल एंटर हो रहे होंगे, और वो जो लोग जा रहे थे, वो जो लोग कल आ रहे हैं, वो क्या है? वो आपकी टीम नहीं है, वो आपके कॉम्पिटिटर है। अगर वो बीज पनप गए तो आपका क्या होगा, खुद सोचिए। क्योंकि यहां पर कमी नहीं है, लोग सीखना चाहते हैं, लोग अर्निंग चाहते हैं, लोग कमाना चाहते हैं, लोगों की कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक चीज के कि हम लोगों को ला नहीं पाते, हम लोगों को रास्ता दिखा नहीं पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बिजनेस पे विश्वास होगा अपने आप पे कि मैं करोड़पति बन सकता हूं। हो सकता है आपको अपने आप पे भी विश्वास ना हो सकता है आपके परिवार वालों को आप पे विश्वास ना हो सकता है आपके रिश्तेदारों को आप पे विश्वास ना हो, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, मुझे 1000% विश्वास है कि आप लोग लगे रहोगे तो टैलेंट बढ़ते ही रहोगे। किसी ने जबरदस्ती भी लाए, कुछ लोगों ने तो कहा होगा कि समुंदर देखना है, सही कह रहा हूं? वही बात आई, कुछ समुंदर तक जाएंगे, कुछ खाने तक जाएंगे, कुछ होंगे जो अपने फ्यूचर को लेके जाएंगे, समझिए। जाने जाने हम सबको सेफ शॉप मिल तो गया है, बिजनेस के अंदर टिकना बहुत जरूरी है। हम सब जिस जगह से आते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ खाते हैं, हमने देखा है लोगों को एक आम बिजनेस करते हुए, बाप ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सारे हैं, और थोड़ा कोई नाई बना हुआ है, कोई किराने की दुकान चलवा रहा है, कोई ठेकेदार बना है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दूसरे प्रदेश में कमा रहा है, कोई पेंटर बाबू बना है, तरह तरह के बिजनेस है। लोग कंपनियां ज्वाइन करते हैं, लोग कंपनी में आते हैं, लेकिन कंपनियां बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूँ, सेफ शॉप 23 साल से चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हर साल और बड़े तरीके से और ज्यादा लोगों से उड़ रही है। यानी कि हमारा फ्यूचर और अच्छा होने वाला है। जब हमने शुरुआत करी थी तो पैकेज ऐसे नहीं थे जैसे आज है, जब हमने शुरुआत करी थी तब इनकम ऐसी नहीं थी जैसी आज आपको प्लान में इनकम है। आज तो कंपनी ने काया कलप कर दिया हर एक आदमी का, तब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, आज प्रोडक्ट की कमी नहीं है। आज चाहे सेंटर के मिनिस्टर हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके गांव के बहुत सारे मुखिया हो, हर एक आदमी हमारे पैकेज को लेने के लिए बेताब है। आप सोचिए कि हम कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, हमारे पैकेज की क्या वैल्यू है। लेकिन हमें जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इस बिजनेस का हमें टिकना तो पड़ेगा। बिना टिके तो इंसान कहीं नहीं टिक पाएगा। 4 साल 5 साल टिकना है, कहां टिकना है? टिकना है 5 साल 5 साल होते ही क्या है? 5 साल में एक अगर डॉक्टरी अगर डॉक्टर बनना है तो 5 साल का कोर्स है, 30-35 लाख रुपए लगाओ। अगर इंजीनियर बनना है तो 30-35 लाख लगाओ, 5 साल लगाओ, फिर भी पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ खाली सर्टिफिकेट हाथ लगेगा, डिग्री हाथ लगेगी, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा,
कॉम्पिटिटर साथ खड़े होंगे, एक वैकेंसी होगी, 1500-2000 लोग खड़े या 5000 लोग लाइन में खड़े होंगे। लेकिन एक हमारा बिजनेस है सेफ शॉप, हम आज भी कह रहे हैं हम इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म में क्या दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आओ आप भी रईस बन सकते हो। हम कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है भैया हिंदुस्तान में, बेरोजगारी उनके लिए जो कुछ करना नहीं चाहता। रोजगार तो स्वेच शॉप दे रहा है पिछले 23 साल से, जो कि आपके सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल है मिस्टर मैना और रांची, जानते हो? यस सर। मैना और रांची बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 50 साल में बिजनेस को शुरू करा। बताइए अगर किसी डॉक्टरी के लिए जाना पड़ता 50 साल में तो बाहर निकाल दे, आर्मी में जाना पड़ता 50 साल में तो बाहर निकाल, उम्र हो गई अगला जन्म लेके आना, सही कह रहा हूँ? यस सर। पढ़ाई की भी तो उम्र है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उम्र नहीं है भैया। आज गवर्नमेंट अब जाग रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, परसों 21 जून को गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन करी कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% लीगल है, कि हम लोग जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। गवर्नमेंट कब जाग रही है? जब कंपनी 23 साल की होगी। अब गवर्नमेंट 23 साल आगे जाएगी, 23 साल में तो सोचो हम और आप क्या होंगे, पैसे छाप रहे होंगे और नोट उड़ा रहे होंगे। मौका हम सबके पास है, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सबके पास मौका है, हर घर में कोई ना कोई तो है जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ लोग इसको सीरियस नहीं लेते, जो लोग सीरियस ले लेते हैं वो उस घर की आने वाली दिशा और दशा, आने वाली जनरेशन और जो अभी की जनरेशन है सबकी काया कलप कर देता है। एक इंसान चाहिए, सिर्फ एक घर के, अगर घर में सारे परिवार वाले हैं, अगर सब नहीं मिले तो एक भी पागल हुआ मेरी तरह वो उस घर की दिशा और दशा को बदल के रख देगा। लक्ष्य देखने की हिम्मत चाहिए, हम लोग हिम्मत ही नहीं कर उड़ा पाते। हम लोग बाहर घूमते हैं, ऊपर हवाई जहाज चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि उस हवाई जहाज लोगों के लिए हमारे लिए बने हैं, वो हमारे लिए बने हैं। जब आज से 14 साल पहले हमने इस बिजनेस को शुरू करा था तो हवाई जहाज ऊपर चला करते थे, 14 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, कितने साल पहले की, 14 साल पहले की बातें कर रहा हूँ। जब हवाई जहाज ऊपर से जाया करते थे तो हम नीचे से यूं किया करते थे, किसको, हमें लगता था हवाई जहाज से नीचे दिखाई देता है, जब हम ऊपर पत गए तो पता चला नीचे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली हमारे सपने वैसे ही, हमें लगता है भाई वो हवाई जहाज हमारे लिए बने हैं, इसी जन्म में हम हवाई जहाजों में उड़ेंगे, इसी जन्म में हम लोग फ्लैट लेंगे, यहाँ हम इस आलीशान होटल के अंदर है, आप यहाँ पर फ्लैट देख रहे हो, देख रहे हो कितना शानदार होटल है, देख रहे हो ये होटल, ये जो फ्लैट बने किसके लिए है, हमारे लिए बने, ये हम लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी है, हमें ऐसे सपने अचीव करने की ताकि हम और हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे वो भी यहाँ पे आए, ऐसे होटलों में रहे, वो हमारे लिए बने। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहो? yes, धीरू भाई और अंबानी को कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं ना, पेट्रोल पंप उनके हैं और हिंदुस्तान की 33% अर्थव्यवस्था धीरू भाई अंबानी जी के ने संभाल रखी है। किसने संभाल रखी है? धीरू भाई अंबानी जी। एक जमाने की बात है, 50-60 साल पहले की बात है, और ये बात जो है ये रियल है, सच्ची घटना पे आधारित है, उनकी लाइफ, उनकी 250 रुपए की सैलरी हुआ करती थी। कितने की सैलरी? 250 रुपए महीना वो कमाया करते थे, और 250 रुपए महीना जब वो कमाते थे तो उनको सैलरी आई 30 तारीख को, और उनको जैसे 250 रुपए मिले वो फटाफट भागे और जहां पे बड़ा होटल था, फाइव स्टार टाइप का, वहां पे गए और उस 250 रुपए से वहां पे चाय पीने लगे, और वहां से चाय पी के आ गए। अब उनका दोस्त था एक, वो दोस्त ने पूछा भाई 250 रुपए का क्या किया जो पे मिली है, तो उन्होंने क्या बोला, बोला मैंने तो 250 रुपए वहां कॉफी चाय पी ली उस 5-star होटल में जाके, और उसका दोस्त बोलता है तू मूर्ख है, तेरे 250 रुपए वहां चाय के लिए वेस्ट करे, तेरे परिवार पूरे महीने क्या करेंगे, वो भूखे मरेंगे।
रोटी कैसे जाएगी तेरे परिवार को, खाना क्या खाएंगे पूरे मेरे, उन्हें तुझे तो उधार देना पड़ेगा। सोचिए। लेकिन अम्बानी जी क्या बोले, बोला भाई मैं 250 रुपए की चाय जो पी के आया हूँ, मैंने क्या पाया तू नहीं समझ पा रहा है। मैंने देखा 250 रुपए की जब चाय पीने में वहां गया था, वहां पे सारे करोड़पति लोग बैठे हुए थे, सारे अमीर लोग बैठे हुए थे। जब वो बातें कर रहे थे जिस फलानी के साथ, वो बातें आपस में कर रहे थे, और मैं चाय पीते पीते ये सोच रहा था अमीर लोग बातें किस तरीके की करते हैं। और उस चाय से उन्होंने करोड़ों का बिजनेस वहां से लेके आए, और उस सोच के साथ उन्होंने बिजनेस किया। और यही वजह है कि आज अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करोड़पति इंसान बना। अगर वो सोच बड़ी नहीं बनाते कि 250 बचाते, तो क्या वो आज करोड़पति होते, आज अरबपति होते? ऐसे ही बहुत सारे लोग आज इस कड़ी में हम नहीं आए, जो काम क्या बचाते रह गए, पैसा क्या बचाते रह गए, पैसा। अगर वो 3900 से 3900 से करोड़पति नहीं बनना कि बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो 3900 जमा भी कर लो, 20 साल के बाद निकालो तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो आदमी यहां से सोच बना के जाएगा, वो बाहर जाके झंडा गाड़ेगा अपने नाम का, अपने परिवार का, और इस बिजनेस में आर्थिक आजादी के लिए डायमंड बन के आएगा यहाँ पे और बोलेगा, और बोलेगा मैं टीएलसीसी पूरी में पहली बार आया था और मैंने वहां से विजन पाया, मेरी वहां से सोच बनी, मैं पागल हुआ और मैंने देखा इसी बिजनेस से मैं अमीर बन सकता हूं। लोग अमीर बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, बाहर मार्केट में दर दर भटक गए दर दर। लेकिन इस जन्म में, एक जन्म में अमीर नहीं बना जाता। अगर आप अमीर बनने चले हो तो बाहर बहुत सारे लोग हैं जो पखीर हैं, अमीर बनने के सपने को निचोड़ देंगे। सच्चाई कह रहा हूं। लेकिन एक अपन का बिजनेस है मेरे भाई, हम लोगों ने शुरू करा था, आज इसी बिजनेस से 6.5 लाख लोगों की टीम बनी है इसी बिजनेस से। आप बताइए, आपके बहुत सारे लीडर थे, आपके लोकल लीडर जो इस बिजनेस से करोड़पति बन गए, क्या आप नहीं बन सकते? बन सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोच बनानी पड़ेगी। सोच, हमें रोज काम करना पड़ेगा, हमें रोज फील्ड में जाना पड़ेगा, हमें रोज लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस करेगा। हर आदमी को 8 से 10 लोग मिलेंगे, हर आदमी को जो हॉल में बैठा हुआ है उसकी जिंदगी में 8 से 10 लोग आने वाले हैं, और वो 8 से 10 लोग आपको करोड़पति बनाएंगे। लेकिन 8 से 10 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको 10,000 पत्तों में प्लान देना पड़ेगा, तब जाके 8 से 10 लोग मिलेंगे जो आपको करोड़पति बना के छोड़ेंगे। जब तक 10,000 संघों को कारण नहीं कर पाओगे तो अमीर कैसे बनोगे? हमें 10,000 पन्ने खर्च करने पड़ेंगे भाई, तब 8 से 10 लोग मिलेंगे। अगर हम सोच रहे कि हमने 10 प्लान कर दिए, बहुत हो गया, नहीं बनेगा भैया। आपके कॉम्पिटिटर तैयार हो रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपके आसपास हैं, आप आराम कर रहे हो, आपको लग रहा है मैंने काम करके बहुत बड़ा उखाड़ दिया, तो आपके कॉम्पिटिटर तब जाके काम कर रहे हैं, वो और तेज दौड़ेंगे, और आप आराम करोगे और तेज दौड़ेंगे, वही लोग फिर कल यहाँ पर डायमंड बन गया। वही लोग जो कंटिन्यूटी में रेगुलर काम करते हैं, जो रेगुलर दौड़े हुए हैं, जिसको ना दिन है जिसको ना बरसात है, जो ट्रेनिंग में भीड़ डालता है, वही लोग तो कामयाब होते हैं। कौन कामयाब होते हैं? आप देखिए, भाजपा नेताओं की भीड़ होती है तो क्या होता है, खाना खिलवाया जाता है, भीड़ की भीड़ इकट्ठी करनी तो क्या करना पड़ेगा, खाना खिलवाना पड़ेगा पार्टी वालों। और यहाँ पे खाना नहीं खिलाया जाता, पीड़ा क्या किया जाता है, खुद लेके आना पड़ता है, पैसा लेके देना पड़ता है। सही कह रहा हूँ? ये आर्थिक आजादी की भीड़ है भैया, ये फोकट की भीड़ नहीं है। फोकट की भीड़ तो भाग लगेगी, लेकिन ये आर्थिक आजादी की भीड़ है। आप सोचिए, आप सभी यहाँ पे आए हुए, अपने लिए विजन बनाइए। कंपनियां तो बहुत आती है, कुछ कहते हैं मैंने वो कंपनी की, भैया कंपनी आती है और जाती है, टिकती नहीं है, लोगों के सपने को खत्म कर जाती है। उन्हें बोला जाता है इतना कमाओगे, पता चलता है जब कमाने के दिन आ गई कंपनी गायब है। सही कह रहा हूं? लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि से
कहां टिकेगी? टिकना तो आपको खुद को है। हमें कंपनी की गारंटी नहीं लेनी है, हमें लेनी है गारंटी किसकी? खुद की। क्या अगली बात जब पीएलसी से होगी, मैं इस हॉल में मिलूंगा या नहीं? अगर नहीं मिले तो सोचो क्या होगा कालिया बात पूरी जिंदगी। सही कह रहा हूं, अगर टिक गए तो अगली बार कितने लोग आपके साथ आएंगे, कितने नटों का आप खड़ा होगा सोच के देखिए। सोच बना के जाना है यहां से। विजन, हम पूछते हैं विजन कहां मिलता है? अरे विजन मिलता है अपना इनके पास, आप जो सीनियर है उनके साथ बैठिए, उन्हें पूछिए कि मैं सर मैडम मुझे विजन बताइए। उन्होंने आपके लिए चार्ट बना रखा है आपके डायमंड तक का, उनकी आंखों में देखिए, उनके साथ बैठिए, वो बताएंगे आपको विजन क्या होता है, अपलाइन क्या देता है आपके लिए। अपलाइन देता है डायमंड पे 1.25 करोड़ रुपया आपके घर पे है। बनानी पड़ेगी, जब तक सोच नहीं बनी होगी हम लोग यूं ही दो बिना बोल के वर्किंग करोगे, अप्लाई फोन करेगा तो फील्ड में हम जाएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमारे पास जब हमने बिजनेस को ज्वाइन करा था कोई अप्लाई नहीं था, जब हमने बिजनेस को ज्वाइन करा कोई सिस्टम नहीं था, जब हमने बिजनेस को ज्वाइन करा कोई हमारे साथ फील्ड में आने वाला नहीं था, हम खुद ही अप्लाई बन के खुद ही डाउनलाइन बन के फील्ड में भागे हैं। हमें नहीं पता था कि कौन लाखों रुपया कमाता है, हमने तो दिल्ली देखी कि दिल्ली में कमाते हैं, लेकिन हमने खुद इस बिजनेस में लाखों रुपया कमा के लोगों को प्रूव करके दिखाया। आज आप सबके पास यहाँ के लोकल लीडर्स हैं जो लाखों रुपए अर्निंग पे, जो लाखों रुपए अर्निंग पे, लेकिन आपको किसको दिखाना है? अपने लोकल लीडर को दिखाइए। आपके आस पास में बगल में ऑडी वाले घूम रहे हैं, आपके आस पास में बहुत सारे लोग मस्जिद लेके घूम रहे हैं, तो सब सेफ शॉप से तो कमाए हुए हैं भाई, आपकी भी आएगी, घबराना नहीं, आएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, रंग तो लाना पड़ेगा, कलरफुल तो हमें अपनी जिंदगी करनी पड़ेगी, तो पानी वाला कलर है, जैसे जैसे मेहनत होगी वैसे वैसे कलर चढ़ता जाएगा, और कलर ऐसा चढ़ाना है कि जो चढ़ गया तो वापिस गिर ना आएगा। सही कह रहे हो, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से तो लड़ना पड़ता है, सही कह रहा हूं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के पॉसिबल की नहीं है।